एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह सालों साल से अपने खेतों में काम करता था और फसलें उगाता था। एक दिन उसका घोड़ा उसके घर से भाग गया। यह बात सुनकर उस किसान के पड़ोसी उसके पास दुख जताने आए और कहने लगे, यह तो बड़े दुख की बात है कि आपके खेतों में काम करने वाला घोड़ा भाग गया। यह सुनकर उस बूढ़े किसान ने कहा, हो सकता है। अगली सुबह वह घोड़ा अपने साथ तीन अन्य जंगली घोड़ों को लेकर लौट आया। जब यह खबर पड़ोसियों ने सुनी तो कहने लगे, यह तो बड़ी खुशी की बात है। बूढ़े किसान ने कहा, हो सकता है। अगली सुबह उस किसान के बड़े बेटे ने उन तीन जंगली घोड़ों में से एक की सवारी करने की कोशिश की, लेकिन उस जंगली घोड़े ने किसान के बेटे को अपने ऊपर से पटक दिया, जिससे उसका एक पैर टूट गया। यह सुनते ही सभी पड़ोसी किसान के पास दुख प्रकट करने आए और कहने लगे, यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान ने कहा, हो सकता है। उन्हीं दिनों उस राज्य के राजा को पड़ोसी राजा के यहाँ हमला करना था। इसके लिए वह एक बड़ी सेना तैयार कर रहा था। इसलिए अगले दिन सेना के अधिकारी जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने के लिए गांव आए, लेकिन किसान के बेटे का पैर टूटा हुआ देखकर उसे सेना में भर्ती नहीं किया। इसके बाद फिर सारे पड़ोसी किसान को बधाई देने आए कि कितनी खुशी की बात है कि आपका बेटा युद्ध में मरने से बच गया। किसान ने सुना और जवाब दिया, हो सकता है। दोस्तों, यहाँ वो किसान नॉन जजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वह जीवन के ट्रू नेचर को समझ चुका था कि हम किसी भी घटना को एक अंत के रूप में नहीं देख सकते। हम अभी की घटना के आधार पर पूरी तरीके से यह निर्णय नहीं ले सकते कि इसके बाद लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी या खराब हो जाएगी। हो सकता है कि जो चीज़ आज हमें बहुत अच्छी लग रही है वह कल हमारे लिए नई मुसीबत लाकर खड़ी कर दे, या जो घटना आज हमें बहुत ही खराब लग रही है कि इसने हमारा जीवन खराब कर दिया, हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे लिए किसी नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल दे। यहाँ हर पल हर क्षण नया है और वह अपने साथ नई नई घटनाएं लेकर आता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहते रहते हैं कि एक बार 10th 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, फिर सब अच्छा हो जाएगा। एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर सब अच्छा हो जाएगा। जब कॉलेज में एडमिशन हो गया तो एक अच्छे पैकेज वाली जॉब लग जाए, फिर मैं खुश रहूँगा और सब अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी कार ले लूँ, अच्छा घर बना लूँ, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे पढ़ लिख लें, ये सेटल हो जाएं, इनकी शादी कर दूँ, फिर आराम और शांति से रहूँगा। उसके बाद एक बार रिटायर हो जाऊँ, उसके बाद मैं आराम और शांति से ज़िंदगी जीऊँगा। पर जिन लोगों ने ये सब कुछ अचीव कर लिया है, आप उनसे जाकर एक बार पूछिए कि क्या आप सच में आपको शांति मिल गई, क्या आप सचमुच में अब खुश हैं। उनमें से अधिकतर का जवाब होगा, नहीं। दोस्तों, यहाँ मैं यह नहीं कह रहा कि अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छी कार, अच्छा घर होना गलत है, बल्कि ये तो बहुत ज़रूरी है। इनके बिना तो हम आज की दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मानसिक शांति तो दूर की बात है। ये चीज़ें हर इंसान के पास होनी चाहिए और सबको इसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर चीज़ और हर घटना को अच्छे या बुरे में बांटना शुरू कर देते हैं। जब हम इस बात पर डिपेंड करने लगते हैं कि ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये हो गया तो मैं दुखी ही रहूंगा। जब हम अपनी मानसिक शांति और खुशी को बाहरी चीज़ों पर छोड़ देते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया और बाहरी चीज़ें कंट्रोल करने लगती हैं। हमें उस किसान की तरह बस चीज़ों को देखना चाहिए, तुरंत ही यह जज करने नहीं बैठ जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ हमारी ज़िंदगी में सैकड़ों घटनाएँ होती हैं। अगर हम उन्हें सही या गलत ठहराने की उलझन में फंस गए तो हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम बस अपना काम करें, अपना बेस्ट दें, किसी भी घटना के होने का साक्षी बने। फिर वो घटना या काम सही था या गलत, इसका फैसला समय पर छोड़ दें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।